हर हर महादेव वीडियो को लाइक जरूर करें। सावन के बस कुछ ही दिन दूर हैं। दोस्तों 2024 के 22 जुलाई को सावन शुरू हो रहे हैं। जो स्त्री सावन में गलत मंगल सूत्र धारण करती है तो स्वयं उसके पति की मृत्यु ब्रह्मा भी नहीं टाल सकते। बहुत सी शादीशुदा महिलाएं ऐसी होती हैं जो गलत मंगल सूत्र धारण कर लेती हैं, पहन लेती हैं, फिर उसके बाद शादीशुदा जीवन में ग्रहण लग जाता है। धीरे धीरे प्यार नफरत में बदल जाता है और उसके बाद अंत में पति बीमार पड़ता है, फिर धीरे धीरे उसकी मौत का बुलावा आ जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यदि आपको वक्त से पहले विधवा नहीं होना है तो सावन के दिनों में ऐसा मंगल सूत्र किसी भी शादीशुदा महिला को नहीं पहनना चाहिए। सात फेरे के समय भी ऐसा मंगल सूत्र किसी भी स्त्री को नहीं पहनना चाहिए। सावन में तो ऐसी गलती मत करना। दोस्तों मंगल सूत्र की 10 ऐसी बातें जिसे जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, हिंदू धर्म में हर महिलाओं को पता होना चाहिए मंगल सूत्र का यह महत्व। दोस्तों आज से ही नहीं बल्कि आदिकाल से ही कई परंपराएं हम लोग मानते आ रहे हैं, उसी में से एक मंगल सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हिंदू धर्म में मंगल सूत्र को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह विवाहित स्त्री के लिए सुहागन होने की निशानी होती है। दोस्तों हिंदू धर्म में बिना मंगल सूत्र किसी का विवाह संभव नहीं होता। मंगल सूत्र के और भी कई महत्व है जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता लक्ष्मी। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर एक, किसी भी शादीशुदा स्त्री को किसी और का मंगल सूत्र मांगकर नहीं पहनना चाहिए। शास्त्रों में इसका उल्लेख है, किसी और का मंगल सूत्र अपने गले में डालने से पति की आयु कम होती है, ना कि बढ़ती है, बल्कि इससे प्यार कम हो जाता है। हमारे धर्म शास्त्र और वेदों के अनुसार कभी भी माता पार्वती तथा माता लक्ष्मी एवं माता सरस्वती ने अपने शरीर से मंगल सूत्र को कभी अलग नहीं किया और ना ही आपस में मंगलसूत्र को बदला। मंगलसूत्र एक अटूट प्रेम की निशानी, मंत्रों उच्चारण तथा बड़ों का आशीर्वाद और देव शक्तियां मंगलसूत्र में वास करती हैं। जिस नारी का मंगलसूत्र यदि सात फेरों के साथ उसके पति ने उसके गले में धारण किया है, तब उस समय उस मंगलसूत्र में अटूट रिश्ते के साथ 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा भी समाहित हो जाती है। इसीलिए किसी भी शादीशुदा महिला को अपना मंगल सूत्र अपने तन से तब तक अलग नहीं करना चाहिए जब तक कि उस स्त्री के प्राण ना निकल जाएं। दोस्तों नंबर दो, मंगल सूत्र का महत्व। जिस प्रकार सुहागन स्त्री के जीवन में सिंदूर बिछिया आदि का महत्व है, तो उनसे कहीं अधिक महत्व मंगल सूत्र का होता है। इसे सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए धारण करती हैं तथा उनके विवाहित जीवन को बुरी नजर से बचाता है। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग सदियों से कहते चले आ रहे हैं कि मंगलसूत्र को कभी गले से नहीं उतारना चाहिए, घोर अशुभ माना जाता है और बुरी शक्तियां आकर चिपक जाती हैं, क्योंकि मंगलसूत्र एक सुरक्षा कवच के रूप में अत्यधिक बलशाली, अत्यधिक गुण इसमें होते हैं। इसीलिए तो मंगलसूत्र ईश्वर तुल्य होता है। दोस्तों नंबर थ्री, मंगलसूत्र में काले मोती क्यों होते हैं। देखिए, सभी मंगलसूत्र का निर्माण काले मोती और सोने के साथ किया जाता है। काला रंग किसी की बुरी नजर से रक्षा करने के लिए होता है। इस कारण से मंगलसूत्र में काले मोती का उपयोग किया जाता है ताकि दाम्पत्य जीवन को किसी की बुरी नजर ना लगे। मंगलसूत्र में कालों के भी काल महाकाल भगवान शिव का भी वास होता है, माता पार्वती का भी वास होता है। दोस्तों नंबर फोर, मंगलसूत्र उतारना है वर्जित। विवाह के समय जब वर के द्वारा वधू को मंगलसूत्र धारण कराया जाता है तो उसके पश्चात उसे कभी भी उतारना वर्जित है। ये केवल उसी दशा में उतारा जा सकता है जब कोई अनहोनी होती हो। यदि किसी कारण मंगलसूत्र को उतारना भी पड़ता है तो उसकी जगह आप काला धागा जरूर डालें। अब काला धागा कौन सा डालना है, जैसे यदि आप काली माता के मंदिर जाते हैं तो वहां से आपको पुजारी जी से काला धागा बनवा सकते हैं, या किसी भी मंदिर चले जाइए, धार्मिक यात्रा में चले जाइए, आपको काला धागा जरूर मिलेगा। वह आप अपने गले में धारण करें, बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों नंबर फाइव, जो स्त्री अपने पति के नाम का मंगल सूत्र ता उम्र अपने गले में डालती है तो उसके पति की आयु बहुत लंबी होती है, रिश्तों में मिठास बनी रहती है और उस नारी को स्वर्गवास प्राप्त होता है, बैकुंठ धाम प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए आपको पतिव्रता होना आवश्यक है। जो स्त्री विवाह से लेकर बुढ़ापे तक अपने जीवन साथी को ही देखती है और उससे प्यार करती है और उसी के लिए जीवन यापन करती है, उसी को देखती है और उसी को हर बार अगले जन्म तक पाने की लालसा करती है, तो ऐसी स्त्री बैकुंठ में चली जाती है।
यदि ऐसी स्त्री का श्राप लग जाए तो सामने वाला बर्बाद हो सकता है, भस्म हो सकता है, उसका जीवन नरक के समान हो सकता है, क्योंकि पतिव्रता की वाणी में स्वयं संगीत की देवी माता सरस्वती का वास हो जाता है। इनके कहे हर वचन सच होते हैं। दोस्तों, नंबर 6, कप आकार के मंगलसूत्र। बाजार में बहुत आकार प्रकार के मंगलसूत्र मिलते हैं, किंतु पारंपरिक आकार कप वाला मंगलसूत्र होता है। इस आकार के मंगलसूत्र वास्तविक गुणों से भरे होते हैं, जिसे शिव शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। भारतीय परंपराओं में कप वाला मंगलसूत्र बहुत कम महिलाएं धारण करती हैं। इसे विशेषकर मराठा में, तमिल आदि में सर्वाधिक पहना जाता है। दोस्तों, नंबर 7, मंगलसूत्र में सोने का महत्व। सभी मंगलसूत्र में सोना आवश्यक रूप में होता है। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि सोना गुरु ग्रह के प्रभावों को कम करता है, जो विवाहित जीवन में सुख, समृद्धि और बुद्धि का प्रिया होता है। सोना धारण करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तेजी से होता है। विवाह में जब किसी लड़की के साथ फेरे होते हैं, उस समय सोने का मंगलसूत्र बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस समय पीतल, तांबा, स्टील, आर्टिफिशियल आदि का मंगलसूत्र जो भी स्त्री धारण करती है या उनके परिवार वाले उन्हें पहना देते हैं, तब उस स्त्री का आधा जीवन बर्बाद हो जाता है। गृह क्लेश उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। राहु केतु का आगमन होता है, शनिदेव की बुरी दृष्टि पड़ जाती है। दोस्तों, अब बुरी दृष्टि क्यों पड़ती है और राहु केतु क्यों आ जाते हैं? इसके पीछे एक तर्क यह है कि आर्टिफिशियल मंगलसूत्र लोहे आदि का होता है, स्टील आदि का होता है, और लोहे से शनि, राहु, केतु आकर्षित होते हैं, और शुभ कार्यों में, शुभ मंगल दिनों में, इन चीजों को शुभ समय में विवाहित यदि गले में धारण करती है, खासकर मंगल सूत्र, तब उस स्थिति में राहु का बहुत तेजी से आगमन होता है, केतु भी दौड़े चले आते हैं, जिसके कारण पत्नी और पति का जीवन नरक के समान हो जाता है। इसीलिए सोने का मंगल सूत्र कम से कम विवाह के समय, फेरों के समय होना आवश्यक पूर्वक है। सोने का मंगल सूत्र फेरों के समय पहनने से देवी देवता आकर्षित होते हैं और सुख और समृद्धि से आपका घर भर जाता है, जीवन संपन्न सुख हो जाता है। दोस्तों, नंबर 8, मंगल सूत्र का टूट जाना। जिस स्त्री के गले से अचानक मंगल सूत्र टूट कर गिर जाए तो यह बहुत चिंताजनक बात हो सकती है। यह किसी दुर्घटना का संकेत होता है व रिश्तों में दरार आना आदि। इससे पति की मृत्यु का संकेत भी मिलता है कि निकट भविष्य में आपके पति की मृत्यु जल्द हो जाएगी, क्योंकि आपने भूलवश कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण आपको यह संकेत मिल रहा है। यदि ऐसा आपके साथ हुआ है तो इसे हल्के में ना लें, तुरंत माता पार्वती के पास जाएं और अपनी गलतियों की क्षमा मांगे और माता पार्वती से कहें, हे जगत मां, मेरी मैया, मैं भी तेरी बेटी हूं, तेरी लाली हूं, अपनी इस लाली के सुहाग की सदा सर्वदा रक्षा करना, और उसी समय एक दीपक जला देना। आपके साथ जो भी कुछ गलत होने वाला होगा, तुरंत माता उसे दूर कर देंगे, क्योंकि माता पार्वती ही सुहागिनों की रक्षा करती हैं और सुहागिन होने का वरदान देती हैं। दोस्तों, नंबर 9, बीमारियों से बचाता है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र या इनके मोतियों से होकर निकलने वाली वायु महिलाओं के इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करती है। आयुर्वेद के अनुसार गले में सोना धारण करने से छाती और हृदय अच्छे रहते हैं। और भी कई सारी बीमारियों से बचाता है मंगलसूत्र। दोस्तों, नंबर 10, मंगलसूत्र के चमत्कार। जो स्त्री अपने मंगलसूत्र को माथे से लगाकर चूमकर पहनती हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तेजी से होता है और पति का बिजनेस या कोई भी व्यवसाय क्यों ना हो, तरक्की में बाधाएं नहीं आने देता। दोस्तों, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका मंगलसूत्र कभी कभी खो जाता है या बैंक में रखा होता है। तब ऐसी स्थिति में कुछ महिलाएं क्या करती हैं, जब उन्हें शादी पार्टी में या बर्थडे पार्टी में जाना होता है या मंदिर में जाना होता है, तो किसी का मंगलसूत्र मांग कर पहन कर जाती हैं, जो कि घोर अनर्थ और महापाप के बराबर ही होता है। इससे आपके पति की मृत्यु बहुत जल्द हो जाएगी, क्योंकि आप अपने पति की मौत स्वयं आमंत्रित कर रही हैं। मंगलसूत्र दूसरी स्त्री को देने वाली और दूसरी स्त्री का मंगलसूत्र पहनने वाली दोनों ही पाप के भागीदार होते हैं। दोस्तों, हमने आपको शुरू में ही बता दिया है कि किसी का मंगलसूत्र आप क्यों पहन रही हैं। भगवान ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मंगलसूत्र हमेशा अपने से अलग कभी ना करें, नहीं तो ब्रह्मा जी आपके पति की उम्र कम कर देते हैं तथा छीन लेते हैं। जब तक आपके प्राण ना निकल जाए, तब तक मंगलसूत्र खुद से अलग मत करना। यदि आप स्नान कर रही हैं, तब ऐसी स्थिति में गले में काला धागा पहन ले, लेकिन शादी होने के बाद गला सूना नहीं रखना चाहिए।
जो स्त्री शादी होने के बाद भी गले में मंगलसूत्र कभी नहीं पहनती है, काला धागा भी नहीं पहनती हैं, तो उन्हें ब्रह्मा जी कहते हैं। ऐसी स्त्री को अगले जन्म में सांप का जन्म मिलता है या कुत्तिया का जन्म मिलता है, कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म मिलता है। उन्हें अगले जन्म में पति का सुख भी प्राप्त नहीं होता है। नरक में ऐसी नारी भटकती रहती हैं जो अपने गले में कभी भी मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं। यदि तबीयत आपकी खराब है, कोई स्थिति बुरी आ गई है, तब आप गले में काला धागा पहन ले, लेकिन गला सूना ना रखें। दोस्तों, अब वह महिलाएं क्या करें जिन्हें अपना पुराना मंगलसूत्र पसंद नहीं आ रहा है? तब वह ऐसी स्थिति में नया मंगलसूत्र कैसे लें, आइए जानते हैं। देखिए, आप अपना मंगलसूत्र किसी दूसरी स्त्री को ना दें, लेकिन नया मंगलसूत्र लेने के लिए पुराने मंगलसूत्र को आप गलबाकर दूसरा बनवा सकते हैं। जब तक आपका मंगलसूत्र आपको प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक आप अपने गले में काली माता का दिया हुआ काला धागा गले में जरूर डाल लेना। काला धागा आप किसी मंदिर से ला सकते हैं, पुजारी जी आपको बनाकर दे देंगे। माता पार्वती ही सुहागिन होने का वरदान देती है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना, माता पार्वती मेरे सुहाग की सदा रक्षा करें। जय माता पार्वती, माता पार्वती आपको हमेशा सुहागन रखें। जय माता दी।